आप सबको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो प्रमोशन सीरीज स्टार्ट किया था उसको मैं बंद कर रहा हूं, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। तो यूट्यूब पर इस टॉपिक पे कई सारे वीडियो बन चुके हैं कि शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा और शॉर्ट वीडियो से मोनेटाइज भी होगा, लेकिन किस तरीके के शॉर्ट वीडियो से ये शायद किसी ने नहीं बताया। तो मैं आज के वीडियो में वही आप सबको बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लेते हैं तो आपके मन में भी शायद डाउट होगा कि शॉर्ट वीडियो से क्या सच में मोनेटाइज होता होगा, तो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हम सब या फिर आपने शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड किया है और वो शॉर्ट्स वीडियो जो है वो शॉर्ट सेक्शन में चला गया, शॉर्ट सेक्शन से आपको व्यू जा रहा है, तो वहाँ पर जो है आपका वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा मोनेटाइज के लिए और वहाँ से आप अर्निंग भी नहीं कर सकते, मतलब एड नहीं आएगा। और एक हो गया आपने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया और ब्राउज फीचर में मान ले यूट्यूब को कोई ओपन किया और स्क्रॉल कर रहा है ऐसे ऐसे, तो वहाँ पर अगर आपका वीडियो आता है और वहाँ से क्लिक करता है तो आपके वीडियो पर ऐड भी आएंगे और आपको पैसा भी मिलेगा और वो उस वीडियो का वॉच टाइम भी काउंट होगा मोनेटाइज के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेक्शन से अगर आपका वीडियो कोई देख रहा है तो वहाँ पर आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा, और ब्राउज फीचर से अगर आपको कोई देखता है, नोटिफिकेशन से भी देखता है, तो आपको वॉच टाइम मिलेगा। और एक बात फिर और बता दूं मैं आपको, अगर आपने सर्चेबल टैग टॉपिक दिया है, अगर कोई सर्च करता है और वहां पर आपके वीडियो आता है और क्लिक करता है तो वो वॉच टाइम आपको मिलेगा और वहां से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, मतलब वहां पर एड भी आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते भी जाइएगा।